मुर्दाबाद 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 हमेशा मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा राज नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा पानी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो ये वहाँ से आकर रिहा करो बंद करो गुजरात कांग्रेस नेता और वड़गाम विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुलिस ने पालनपुर सर्किट हाउस से बुधवार रात करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया। मेवाणी को असम ले जाया जा रहा है। उन्हें एक ट्वीट के लिए हिरासत में लिया गया है। वड़गाम विधायक व दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को पीएम मोदी के खिलाफ किए गए उनके ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कथित तौर पर कुछ ट्वीट किए थे और गॉडसे का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात में सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करने को कहा था। जिग्नेश मेवाणी बुधवार को पालनपुर में रुके थे, वहीं के सर्किट हाउस से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके समर्थकों का आरोप है कि असम पुलिस की ओर से उनको FIR की कॉपी नहीं दी गई, जो कथित रूप से उनके खिलाफ दर्ज है। जिग्नेश मेवाणी गुजरात कांग्रेस के दलित चेहरा हैं और उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। मेवाणी पिछले साल सितंबर में कुमार के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। बतौर एक दलित नेता मेवाणी पहली बार हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले युवा चेहरा के रूप में उभरे थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया और मेवाणी का प्रवेश अच्छा होगा, क्योंकि कई युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी और ललितेश त्रिपाठी ने पिछले 2 सालों में पार्टी छोड़ दी थी। इसी के चलते आज 27 अप्रैल 2022 को भारतीय युवा कांग्रेस गुजरात के विधायक श्री जिग्नेश मेवाणी की असम पुलिस द्वारा दो बार असंवैधानिक गिरफ्तारी और उनकी रिहाई की मांग को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बंद करो।